नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर जी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 165 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के लेक्चर नंबर 12 में हम सीखेंगे हाउ टू ऑटो करेक्ट ऑप्शन। हाँ फ्रेंड्स, वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे, अपना खुद का कोई वर्ड कैसे ऐड करेंगे, वर्ड को कैसे रिमूव करेंगे और सेटिंग को चेंज कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। अगर फ्रेंड्स हम कुछ लिखते हैं तो वर्ड में एक फैसिलिटी है कि सेंटेंस का पहला जो कैरेक्टर रहता है ना वो कैपिटल बन जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वाई ओ यू, स्मॉल लेटर लिखा है लेकिन जैसे स्पेस दूंगा तो लेटर कैपिटल बन जाएगा। बाद में अगर हम लिखते हैं तो कैपिटल नहीं होता है क्योंकि सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह से यह फैसिलिटी ऑटो करेक्शन ऑप्शन में आती है। अगर आपने कुछ यहाँ पर लिखा है, अगर मैं मेरा नाम लिखता हूं, देखो इस तरह से कैपिटल हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता हूं डीजी क्लास, देखो रेड अंडरलाइन आ गई। ये क्या बता रहा है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये स्पेलिंग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। ये जो एरर दिख रही है वो ऑटो करेक्शन ऑप्शन के जरिए आपको दिख रही है। अगर आपको आप इसे आप सोल्व करना चाहते हो तो ये वर्ड पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर आपको सही ऑप्शन दिखा जाएगा कि इस तरह से आप लिखे तो सही है, या तो इग्नोर ऑल कर दे या तो ऐड टू डिक्शनरी कर दे। अगर ये तीनों में आप तीनों नहीं करना चाहते हो तो ऐड टू ऑटो करेक्ट ऑप्शन में चले जाओ। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाओगे तो इस तरह से ऑलरेडी डीजी क्लास ऐड है ऐसा दिख रहा है, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे दूसरे ऑप्शन में तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स होगा जो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन का होगा। लेकिन यह डायलॉग बॉक्स आप और भी कहीं तरीके से कॉल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप फाइल मेनू में चले जाओ, वहां पर ऑप्शन मेनू में चले जाइए। ऑप्शन मेनू में आपको प्रूफिम नाम का एक मेनू दिखाई देगा जो लेफ्ट साइड की पैनल में होगा। प्रूफिम के अंदर आपको यहाँ इस तरह से ऑटो करेक्शन ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ऑटो करेक्ट 6 टैब 5 टैब रहते हैं, ऑटो करेक्ट, मैथ्स ऑटो करेक्ट, ऑटो टाइप, एज यू टाइप, एक्शन और ऑटो फॉर्मेट, इस तरह से रहते हम आज ऑटो करेक्ट में देखेंगे। ऑटो करेक्ट में बहुत सारे टिक मार्क चेक ऑन है, देखो यह शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन जो हमने अभी देखा था, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। अगर जो जो टिक मार्क यहाँ से आप अनचेक कर दोगे तो वो आप फैसिलिटी यूज नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये टिक मार्क अनचेक करके ओके करना है। अगर आपने ये सारी टिक मार्क अनचेक कर दी तो समझ लो आप जो भी लिखोगे वर्ड उसे एक्सेप्ट करेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन मेरा सुझाव है आपको ये ऑन रखना चाहिए। इस तरह से आगे देखा जाए तो ये रिप्लेस और विथ, यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं रिप्लेस के बॉक्स में लगता हूं सी डी लिखता हूं तो मैंने क्या ऐड करके रखा था, कंप्यूटर डीजी क्लास इस तरह से ऐड करके रखा था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं वाई वी यानी कोई सजेशन नहीं है। लेको वाई वी का मैं यहाँ पर अगर लिख दू कि योगेश व्यास और ऐड करूंगा, ओके प्रेस करता हूं, उसके बाद ओके प्रेस कर दूंगा, ये खत्म हो गया। अब चलो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं वाई वी, जैसे मैं स्पेस दूंगा योगेश व्यास लिखकर अपने आप आ जाएगा। इस तरह से आप खुद का एक वर्ड एक सेंटेंस शॉर्टकट तरीके से ऑटो करेक्शन ऑप्शन में सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सी डी लगता हूं, स्पेस करता हूं, कंप्यूटर डीजी क्लास पूरा लिखकर आ जाता है, मुझे बारी बारी से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सही क्या है वो लिखकर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑटो करेक्शन ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। मैंने जो वर्ड ऐड किया था, शॉर्टकट ऐड की थी, वो अगर मुझे रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, आप फिर से फाइल मेनू में चले जाओ, ऑप्शन में चले जाओ,
प्रूफिंग में जाना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है, और जो भी मैंने ऐड किया था वाई वी ढूंढूंगा, यहाँ से मिल जाएगा। मैं डिलीट क्लिक करूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा। ओके प्रेस करने के बाद अब मैं अगर वाई वी प्रेस करता हूं तो नहीं आएगा। इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हो। अब बात रही ये डिजी क्लास को, अगर आप राइट क्लिक कर से यहां पर क्लिक करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप एड टू डिस्ट इग्नोर ऑल करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप F7 की प्रेस करोगे। F7 की प्रेस करने पर स्पेलिंग एंड इग्नोर वाला ये राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन ओपन होगा जो प्रूफिंग के जरिए आता है। यहां से आप अगर इग्नोर वंस करोगे तो एक ही बार वो एरर चली जाएगी। इग्नोर ऑल करोगे तो जितनी भी पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में जितनी भी इस तरह से रेड अंडरलाइन है या तो ग्रीन अंडरलाइन है तो वो चली जाएगी। और ऐड टू डिक्शनरी करोगे तो ये जो वर्ड है डिक्शनरी में ऐड हो जाए, ऐड टू डिक्शनरी या डिक्शनरी में ऐड हो गया, अब यहां से चेकिंग खत्म हो गई। तो इस तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की ऑप्शन F7 से भी ओपन कर सकते हो। देखो अभी कोई एरर नहीं है तो वो मैसेज आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड, नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है तो इस तरह से एरर आती ही रहेगी। मैं F7 प्रेस करूंगा तो आएगी, आप चेक करो, हो जाएगा, फिर आगे बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी वीडियो हो, जितने भी नए वीडियो बनाता हूँ वो आप आसानी से देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश वास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।